हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं जीरा आलू। यह फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। यह बहुत ही ईजी, सिंपल और टेस्टी रेसिपी है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। जीरा आलू को पराठा या रोटी के साथ आराम से टिफिन में भी कैरी किया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 6 उबले हुए आलू ले लिया है। आलू को ठंडा करके ही लें, अन्यथा ये चलाते वक्त टूट जाएंगे। अब हम आलू को लंबाई में काट लेंगे। इन्हें ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे और ना ही एकदम पतला, हम इन्हें मीडियम साइज में रखेंगे। पता है आपको, जीरा बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यह सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को भी कम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है और जीरे का सेवन करने से वजन को कम करने में भी मदद मिलती है। इसमें आयरन के साथ साथ विटामिन ई, ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जो पीसेज अधिक बड़ी लग रही हैं, हम उन्हें बीच से ऐसे काट देते हैं। आप इन्हें किसी भी शेप में काट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। गैस की फ्लेम ऑन करके पैन रखेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तो हम सरसों का तेल इसमें डालकर गर्म कर लेंगे। आप घी भी यूज कर सकती हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच जीरा डालकर ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच अदरक ग्रेट किया हुआ, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच हींग डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो जल जाएंगे। अब हम कटे हुए आलू के पीसेज इसमें डालकर चलाएंगे। इसके तुरंत बाद ही 1.5 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ले लीजिए। जब ये थोड़ा भून जाए या ये थोड़े से ब्राउन हो जाए, याद रखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही ब्राउन करना है। हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच भून कर पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अंत में कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालकर सर्व करेंगे।